जय हो के सिक्वल में सलमान खान के साथ किस हीरोइन को फाइनल किया जा रहा है? जय हो ने 3 दिनों में कैसे 200 करोड़ कमा लिए थे? अभी से जय हो के सिक्वल को 500 करोड़ी फिल्म के रूप में क्यों देखा जा रहा है? आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। आज बॉलीवुड में हिट फिल्मों के सिक्वल लगातार बनाए जा रहे हैं, या फिर किसी हिट बॉलीवुड फिल्म या टॉलीवुड फिल्म के साथ हॉलीवुड फिल्मों का रिमेक किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में सलमान खान फिल्म्स ने एक सलमान खान की हिट फिल्म के सीक्वल बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, लेकिन कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन गुप्त सूत्रों की बात करें तो स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका है। जय हो 2014 में प्रदर्शित भारत की हिंदी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसके निर्देशक सोहेल खान एवं निर्माता सुनील लुल्ला के साथ सोहेल खान है। इसमें सलमान खान और नवोदित कलाकार डीजी शाह के साथ सना खान और सुनील शेट्टी ने प्रमुख अभिनय किया है। फिल्म में तब्बू ने सलमान खान की बहन का अभिनय किया है, जबकि डैनी ने मुख्य खलनायक की भूमिका में अभिनय किया है। फिल्म 2006 की तेलुगु फिल्म स्टालिन की रिमेक है। फिल्म 24 जनवरी 2014 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म की पटकथा कुछ इस प्रकार थी। जय अग्निहोत्री यानी कि सलमान खान एक बहुत दिलेर और सिद्धांतवादी सेना अधिकारी, वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अवमानना के आरोप में सेना से निलंबित कर दिया जाता है। और फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार होती है। दबंग 2 के बाद सलमान खान 16 महीने बाद सिल्वर स्क्रीन पर उतरे थे जय अग्निहोत्री बनकर। जय एक आम आदमी है जो आर्मी से निकाल दिया गया। उसे आर्मी से इसलिए नहीं निकाला जाता क्योंकि वो अपने काम के प्रति वफादार नहीं है, बल्कि इसलिए निकाला जाता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ईमानदार है। एक आर्मी ऑपरेशन के दौरान वो अपने बड़े अधिकारियों की बात नहीं मानता और इसी वजह से उसे सेना से हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। जय दिल का बहुत ही नर्म इंसान है। उसे समाज में व्याप्त हर बुराई से उसे नफरत है। लोग उसके आसपास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और वो सबकी समस्याएं हल कर देता है। बदले में उसे सब थैंक यू कहते हैं, मगर इसी थैंक यू के आधार पर वो एक नई शुरुआत करता है। वो लोगों से कहता है कि थैंक यू ना बोले, बल्कि उसकी जगह 3 जरूरतमंद लोगों की मदद करें। इस तरह से हर कोई एक दूसरे की मदद करेगा और देश प्रगति करेगा। यक्ष आर्मी ऑफिसर होने की वजह से जय किसी से भी नहीं डरता और हर चैलेंज का सामना करने को तैयार रहता है। इस तरह जय अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों की पूरी फौज खड़ी कर देता है। जनता में उसकी लोकप्रियता देखकर एक राजनीतिक पार्टी के दबंग नेता उसकी दुश्मन बन जाते हैं। लंबी लड़ाई के बाद अंततः विजय होती है जय की। वैसे कहानी के लिहाज से अगर देखा जाए तो यही पुराने फार्मूले पर टिकी है, जिसे आप कई फिल्मों में देख चुके हैं। हीरो बुराई के खिलाफ जंग लड़ता है और अंत में विजय होकर निकलता है। जय हो के विश्वव्यापी वितरण अधिकार 110 करोड़ रुपए के लिए बेचे गए थे, जबकि इसके सैटेलाइट अधिकार 50 करोड़ के लिए बेचे गए थे। इसके संगीत अधिकार 12 करोड़ रुपए में बेचे गए थे। मेजर जय अग्निहोत्री के रूप में सलमान खान, गीता अग्निहोत्री, जय की बड़ी बहन के रूप में तब्बू, रानी शाह के रूप में डेजी शाह, कर्नल अर्जुन कौल के रूप में सुनील शेट्टी, गृह मंत्री दशरथ सिंह के रूप में डैनी, हरुण काजी गृह मंत्री के बेटे के रूप में, जय की माँ सुलोचना के रूप में नादिरा बब्बर, सुमन के रूप में जिनेलिया देशमुख, विकास भल्ला रोहन के रूप में सुमन का भाई, मोहम्मद बहल मुख्यमंत्री आलोक प्रधान के रूप में, कविता सिंह पाटिल के रूप में सना खान, मुकुल देव श्रीकांत पाटिल के रूप में, आदित्य पंचोली इंस्पेक्टर कदम के रूप में, शरद कपूर इंस्पेक्टर सिद्दीकी के रूप में। आमिर खान ने सलमान खान की फिल्म जय हो का प्रचार किया था और ट्विटर पर लिखा था, जय हो आने में 15 दिन बाकी। आमिर सलमान ने राजकुमार संतोषी की फिल्म अंदाज अपना अपना में साथ काम किया था। गौरतलब है कि सामाजिक मुद्दों और आम जन की समस्याओं पर बनी फिल्म जय हो 24 नवंबर को रिलीज हुई थी। जब जय हो रिलीज हुई थी तो सलमान खान ने साफ कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, यहाँ तक आम आदमी पार्टी भी अपने प्रचार के लिए हमारी आने वाली फिल्म जय हो के गानों और संवादों का प्रयोग नहीं कर सकती है। हमने एक फिल्म बनाई है जिसे कोई भी अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर सकता है। बॉलीवुड एक्टर नसरुद्दीन शाह कुछ हटकर फिल्म करने के लिए पहचाने जाते हैं और वे अपने दौर के दमदार अभिनेताओं में से एक हैं। नसरुद्दीन शाह ने 8 फिल्मों से लेकर आज के दौर की धमाकेदार फिल्मों में काम किया है और अपने अभिनय की छाप छोड़ी है।
नसरुद्दीन शाह का मानना है कि सिनेमा किसी भी वक्त के ब्यौरे की तरह होता है। वो नहीं चाहते कि दर्शक जब पीछे मुड़कर देखे तो 2018 को केवल एक ही किस्म के सिनेमा के दौर की तरह देखे। सलमान खान की फिल्में विषय पर बात कर रहे थे। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि सिनेमा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए होता है और वो समाज के लिए प्रासंगिक अधिकाधिक फिल्में करना अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। नसरुद्दीन शाह ने कहा, मेरा मानना है कि सिनेमा समाज को नहीं बदल सकता और ना ही कोई क्रांति ला सकता है। सिनेमा शिक्षा का माध्यम है या नहीं, इसे लेकर भी मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। डॉक्यूमेंट्री शिक्षाप्रद हो सकती है, लेकिन फीचर फिल्में ये काम नहीं कर सकती। लोग उन्हें देखकर भूल जाते। गंभीर प्रकार की फिल्में ही अपने दौर के ब्यौरे के रूप में काम कर सकती हैं। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि यही वजह है कि उन्होंने ए वेडनेसडे और उनकी हाल की लघु फिल्म रोगन जोश में काम किया। नसरुद्दीन शाह ने कहा, ऐसी फिल्मों का हिस्सा बनने को मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। मेरे सभी गंभीर काम उस दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिनेमा हमेशा रहेगा। इन फिल्मों को 200 साल बाद भी देखा जा सकता है। लोगों को पता होना चाहिए कि 2018 में भारत किस तरह का था। ऐसा ना हो कि 200 साल बाद उन्हें केवल सलमान खान की फिल्में ही देखने को मिले। भारत उस तरह का नहीं है। सिनेमा भावी पीढ़ियों के लिए होता है। सलमान खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म भारत में व्यस्त हैं। फैंस को भी इस मल्टी स्टारर फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। उनकी घोषणा के बाद से ही सलमान खान फिल्म को सफल बनाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जहां इस फिल्म से कैटरीना कैफ का लुक पहले ही लीक हो चुका है, वहीं अब सलमान खान का लुक भी सामने आ गया है। इससे सलमान खान का लुक इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रही तस्वीरों में सलमान खान दो अलग अलग लुक में नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में सलमान खान हाफ स्लीव जैकेट में अपने बाइसेप्स प्लांट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में सलमान खान हाफ शर्ट में 70s के लुक में नजर आ रहे हैं। सलमान के इन दो अलग अलग लुक को देखकर फैंस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हो गए हैं। हाल ही में इस फिल्म के ड्यूरेशन के बारे में चर्चा हो रही थी। खबर थी कि फिल्म 3 घंटे से ज्यादा लंबी है। सलमान खान की पिछली दर्जन और फिल्मों ने 100 करोड़ के ऊपर कमाई की है, परंतु इसके बावजूद ये सच है कि उनका स्टारडम हाल के कुछ वर्षों में नीचे आया है। बड़ी फैन फॉलोइंग की वजह से ही हेड और रेस्त्री जैसी खराब फिल्में मोटी कमाई कर पाई, लेकिन छोटे पर्दे पर उनकी TRP लगातार नीचे गिरी है। 10 का दम फ्लॉप रहा और बिग बॉस की रेटिंग हर नए सीजन में पिछली बार से नीचे होती है। सलमान की उम्र भी लगातार बढ़ रही है, यही कारण है कि अब वो थोड़ा संभल जाना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार सलमान ने अपनी अगली फिल्म भारत के डायरेक्टर अली अब्बास जफर से कहा कि फिल्म को संतुलित ढंग से संपादित करें। ऐसा ना हो फिल्म में सिर्फ सलमान ही सलमान दिखें। उन्होंने जफर से फिल्म की लंबाई भी नियंत्रित रखने को कहा है। हालांकि जफर को सलमान के स्टारडम पर पूरा विश्वास है और वो नहीं चाहते कि फिल्म को छोटी रखने के चक्कर में अतिरिक्त कैंची चल जाए। फिल्म में कैटरीना कैफ भी हैं। सलमान के जीजा अतुल अग्निहोत्री इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। सूत्रों के मुताबिक फिल्म में सलमान कई किरदार एक साथ निभा रहे हैं और उनसे जुड़ी छोटी छोटी घटनाएं कहानी के फ्लैशबैक में दिखाई जाएंगी। फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इसमें 50 से 60 साल के बीच की घटनाएं दिखाई जाएंगी। सलमान अपने पिता के सपने पूरे करते नजर आएंगे और अपने भरे पूरे परिवार को मुश्किल हालत में भी साथ में जोड़े रखने की कवायद करते दिखेंगे। यही कारण है कि फिल्म की लंबाई आज की फिल्मों से अधिक है। खबरों के अनुसार भारत 3 घंटे लंबी फिल्म है और सलमान चाहते हैं कि ये 2 घंटे 45 मिनट के करीब खत्म हो जाए। हालांकि आज के दिनों में ये काफी अधिक है। सलमान जानते हैं कि पुराना दौर बीत चुका है जब दर्शक 3 घंटे से कम की फिल्म को पैसा वसूल नहीं मानते थे। फिल्म में सलमान के अंदाज वाले नाच गाने भी हैं। वो चाहते हैं कि उनके फैंस को ध्यान में रखते हुए निर्देशक कहानी को ऐसे कसे कि आम दर्शक भी उसका मजा ले सके। वो समझ चुके हैं कि उनके फैंस के अलावा एक बड़ा दर्शक वर्ग भी है जो सलमान को नहीं बल्कि फिल्म में अच्छी कहानी देखना चाहता है। अतः वो इन दोनों बातों में संतुलन चाहते हैं जिससे कि भारत बड़ी हिट बन सके। पिछली सीरीज रेस 3 ने सलमान के फैंस को बहुत निराश किया था। सलमान नहीं चाहते हैं कि वो गलती दोहराई जाए। इन दिनों बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त खबरें आ रही हैं। इसी बीच एक और फिल्म सुर्खियों में आई है। ये फिल्म है 2015 में आई अनीस बज्मी की नो एंट्री का सीक्वल। इस मल्टी स्टारर फिल्म में सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीन खान और बिपाशा बासु नजर आए थे। फिल्म की कॉमेडी लोगों को खूब पसंद आई और फिल्म सुपरहिट हो गई, जिसके बाद मेकर्स ने इस फिल्म का सीक्वल भी तय कर लिया। अब बात अटकी सीक्वल की कास्ट पर। खान के साथ नो एंट्री का सीक्वल बनाना चाहते थे, लेकिन अब सलमान खान को रिप्लेस कर दिया गया है।
अब इस फिल्म में उन्होंने अर्जुन कपूर को ले लिया है। जय हो के सीक्वल में सलमान खान दोबारा इसलिए आना चाहते हैं कि क्योंकि ये फिल्म नैतिकता का पाठ पढ़ाती और सलमान खान की ज्यादातर फिल्में इसी विषय पर आधारित होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप कितना इंतजार कर रहे हैं जय हो के सीक्वल का।